हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राधिका। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तीन फिल्मों ने दस्तक दी, मुल्क कारवां और फन्ने खान। फन्ने खान ने तो पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बना रखी है। फिल्म ने पहले दिन 2,15,00,000 का कलेक्शन किया था और शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी ग्रोथ दिखी और फिल्म ने 2,50,00,000 का कलेक्शन कर लिया। वहीं तीसरे दिन फिल्म ने 2,75,00,000 कमाए। इस तरह फिल्म का तीन दिन का कलेक्शन 7,40,00,000 हो गया। वहीं मुल्क की कमाई भी काफी धीमी रफ्तार से हुई। पहले दिन जहां फिल्म ने सिर्फ 1,60,00,000 कमाए थे, वहीं दूसरे दिन 2,40,00,000 और तीसरे दिन कमाई के मामले में इसने फन्ने खान को भी पीछे छोड़ दिया। 3,00,00,000 की कमाई के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन हो गया 7,00,00,000। वहीं इरफान खान की फिल्म ने इन दोनों फिल्मों को ही धूल चटा दी। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 1,50,00,000 कमाए थे, जिसे देखकर कहना मुश्किल था कि ये फिल्म दोनों फिल्मों को बीट करेगी। फिल्म ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 2,70,00,000 कमाए तो रविवार को 3,50,00,000 की कमाई कर डाली। और इस तरह फिल्म का तीन दिन का कलेक्शन हो गया 7,70,00,000। यानी कि इरफान खान की फिल्म कारवां फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर सबसे आगे है, लेकिन तीनों ही फिल्मों के कलेक्शन में ज्यादा फर्क नहीं है। तीनों ही फिल्मों की कमाई 7,00,00,000 के आसपास है। अब देखना तो ये दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में कारवां का कारवां यूं ही बरकरार रहता है या नहीं, या फिर बदल जाएंगे ये आंकड़े। फिलहाल तीनों फिल्मों में कांटे की टक्कर बरकरार है। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।